तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ, इल्तिजा ये बताओ कि तुम सुबह से किसका पीछा कर रहे थे? पीछा? तुम्हें किससे पता चला? बस कर जाओ रिहान, अब ना मैं भी तुम्हें इतना पहचान गई हूँ कि मुझे समझ आ गई है तुम ना हर वक्त किसी ना किसी की ताक में लगे रहते हो। अच्छा, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं। तुमने सुबह मुझे उकसाया था ना कि जमाल भाई की जासूसी करूं, तो अब मैंने उनकी जासूसी के उनके पीछे गया, तो अब मुझे ही दोष दे रही हो। अब जमाल भाई? हाँ जमाल भाई, क्या मतलब? अब मैं नहीं, कुछ नहीं। अब आगे बताओ क्या हुआ। यार मैंने काफी देर तक और काफी दूर तक उनका पीछा किया, और मुझे ये भी कंफर्म हो गया कि ये वही लड़की थी जिसको मैंने एक दो दिन पहले भी उनके साथ देखा था। और अजीब बात यह कि वो तो उसको लेकर पार्क चले गए थे और मैं पार्क में भी उनके पीछे गया। अगर यहाँ भाई ने मुझे देख लिया होगा तो क्या होगा? अच्छा तो तुम पार्क में अब जमाल भाई के पीछे गए थे? नहीं, मैं यूनुस खान के पीछे गया। जाहिर बात है जमाल भाई की बात कर रहा हूँ, जमाल भाई के पीछे जाना था ना। लेकिन ये भी अजीब सी बात है कि पार्क में जाने के बाद वो मुझे नजर ही नहीं आए, गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। मैंने पूरे पार्क में उन्हें ढूंढा लेकिन मिले ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आए। हाँ, वो मैंने कोशिश की कि मैं उनकी पिक ले लूँ, वो लेकिन ले नहीं सका क्योंकि वो जब सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई ना तो आई ट्राइड, लेकिन वो तो बहुत बुरी लड़की है। नहीं 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 नहीं, ये वो लड़की नहीं है, ये तो वो मोहतरमा है जिनकी वजह से वो उस लड़की की पिक नहीं बना सका। देखो चुप रहने से क्या फायदा मिलेगा, हमें बात को किसी ना किसी अंजाम तक तो पहुंचा रहे ना। तो मेरा तो ख्याल है कि हमें जमाल भाई से बात कर लेनी चाहिए। मैं तो नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और मेरा भी साफ यही जवाब है। ठीक है मत कर तुम दोनों, मैं हूं ना मैं ही कर लूंगी। तुम क्या कहोगी उनसे? वो मेरा मसला, मैं जो मर्जी कहूँ। तुम ही से तो मैं तो चला। हाँ हाँ, तुम्हारे अंदर तो तबस्सुम के सामने भी आने की हिम्मत नहीं है, तुम कहाँ भी रुकोगे? तुम्हारा मसला क्या है, ये तबस्सुम का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? हाँ, और वैसे भी मेरा उसको कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे पागल मत बनाओ, वो बेचारी ऐसी तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमती। देखो अब तुम ज्यादा फ्यूरी, बल्कि मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है। आपस में लड़ने का क्या फायदा? मैं कब लड़ रही हूँ? ये देखो ना खुद को क्या समझता है, इससे लगता है कि इसके बगैर कोई काम ही नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सारा दिन ऑफिस में सिर खपा कर रहा था, उसके बाद आके तुम्हारी बकबक नहीं सुननी मुझे, मेरा दिमाग खराब मत करो। बस कर जाओ, दफ्तर का काम भी भला कोई काम होता है? एक पल उठा के यहाँ रख दो तो दूसरी वहां रख दो, कभी घर के काम करके देखो तुम, तुम्हें लग पता जाए। ओए ओए ओए, कभी दफ्तर की शक्ल भी देखी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम? बहुत दफ्तर देखे हैं मैंने, तुम जैसे लोग ना जिनके पास और कोई काम नहीं होता वो नौकरी पे लग जाते हैं। और तुम्हारी तरह जो लूजर्स होती है ना वो तो इंटरव्यू देने जाते हैं, वहीं से उनको रिजेक्ट करके ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, नौकरी तो दूर की बात है। हाँ, मैं एक इंटरव्यू देके आऊँ ना तो मुझे 10 जगहों से जॉब लेटर आ जाए, तुम समझते क्या अपने आप को? बस मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैं भी जा रही हूँ जमाल भाई से बात करने, मुझ में ना इतना दिमाग नहीं है कि मैं तुम दोनों में बांटती फिरूं। इतना दिमाग का क्या मतलब, तुम में दिमाग ही नहीं है तो दिमाग वाकई चली गई है मेरा। आइए साली साहिबा। जमाल भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। जमाल भाई मैं सीरियस हूँ, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे
और बिल्कुल ऐसे ही लेंगे जैसे मैं सच में आपकी छोटी बहन हूँ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। और ऐसी लूंगा जैसे तुम मेरी छोटी बहन। बोलो। जमाल भाई, आपकी जिंदगी में कोई और लड़की भी है ना? कोई और जो उस बाबाजी की जगह पे हो? देखो मायरा, तुम कैसी बातें कर रही हो, और देखो मेरे साथ जोक मत किया करो। मुझे पता चल जाता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही जमाल भाई, आप मुझे सच सच बताएं, आज आप उसी लड़की के साथ थे ना? तुम्हें किसने कहा? आप उनके साथ थे या नहीं? मायरा, लाड़ प्यार का ये मतलब नहीं है कि बड़ों का लिहाज जाता रहे। देखा, आप गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप सच में किसी और लड़की के साथ भी हैं। और कल रात को आप उसी से बात कर रहे थे ना, मेरे आने पे फोन काट दिया बहाने से। उज्मा, भाईजान प्लीज, बाजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आप प्लीज उनसे इस बात का जिक्र मत करिएगा, प्लीज भाईजान। क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों पुकार रहे हैं? सब खैर तो है? देखो उज्मा, तुम्हारी बहन क्या कह रही है इसकी बात सुनो जरा। ये कहती है कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। क्या, ये क्या बदतमीजी है मायरा? बाजी, मेरे इल्म में ये बात सच है। और तुम्हारे इल्म की बुनियाद क्या है, काला इल्म या सफेद? ख्वाब देखा था या फिर जागते में कशिफ हुआ था? बड़ा ही अच्छा बच्चा है। आम तौर पे आजकल के लड़कों में ऐसा अखलाक नहीं होता जैसा इसमें है। कह रहा था, मैं आपको अपने वालिद की जगह समझता हूँ और वैसा ही एहतराम करूँगा। बड़ी बात है, एक अजनबी होके अपनों जैसा बर्ताव कर रहा हूँ। बस ऐसा ही है इस दौर में, कहीं अपने परवाह नहीं करते तो दूसरे आके मदद कर देते हैं। और जानती हो क्या कह रहा था? कह रहा था कि इस प्लॉट पे आपको 6 महीने के अंदर दुगना मुनाफा होगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम कुछ कहना चाह रही थी जब मैं घर से बाहर जा रहा था? कहो, क्या बात है? कुछ भी नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं थी। है तो तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है। मैं पहले ही बात करके छोटी पड़ गई हूँ, और क्या कहूं? क्या मतलब? ये लड़की मायरा घर का माहौल खराब कर रही है। तुम कुछ ज्यादा ही नोटिस ले रही हो, उसका बच्ची है, कच्ची है, ठीक हो जाएगी आस्ते आस्ते। आज नौशीन से उगलवा ही लिया उसने। क्या क्या उगलवा लिया? यही कि परवीन ने खुदकुशी की थी। मैं इसीलिए आपको ये बात नहीं बता रही थी, मैं जानती थी आपको सुन के तकलीफ होगी। आपने पूछा तो बता दिया। कहाँ है नौशीन भाई साहब? आप उसे
मत कुछ कहिएगा, मैंने उसकी बहुत सरजनिश की है और उसने मैंने मुझसे वादा लिया है कि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं छुपा नहीं सकी। ठीक है, उसकी हरकतें बच्चों जैसी है लेकिन वो दूसरों को बिगाड़ रही है। मैं नहीं चाहती कि कल को नौशीन उसके जैसी कोई उल्टी सीधी हरकतें करे। देखो, वो उस्मा की बहन है और ये पहली मर्तबा उसका कोई रिश्तेदार हमारे घर ठहरने के लिए आया है। हमें एहतियात से काम लेना, कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कितना बर्दाश्त करूं? बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। जब बर्दाश्त की हद खत्म हो जाएगी फिर सोचेंगे कि क्या करना है। बाकी रही नौशीन की बात, तो नौशीन से मैं खुद इस तरह से बात करूंगा कि तुम्हारी बात भी रह जाए और उसकी भी समझ में आ जाए। मैं नमाज पढ़ लूं, वक्त निकल जाए। मैं पूछ रही हूं कि इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कर दी? तुम तो घर से बाहर भी नहीं गई, तो फिर तुम्हें कैसे पता? बाजी, आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मत मानिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, जो कुछ मैंने कहा है ना उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर है। देखो मायरा, जमान ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, आज तक उन्होंने मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि इतने अरसे में मैं उन्हें एक बारिस तक नहीं दे सकी। बाजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और इसमें आपका क्या कसूर? ये तो सब अल्लाह का करना है ना। वैसे भी अब आप उन्हें वारिस देने जा चुकी हैं ना। मेरा हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो, लेकिन क्यों हुई इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अच्छे से आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मुझे मुझे गलत फहमी हो गई होगी, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अच्छा ठीक है, फिर चलकर अपने भाईजान से सॉरी कर लो मेरी खातिर। आपकी खातिर ना मैं किसी की जान भी ले सकती हूँ, सॉरी तो बहुत छोटी सी बात है। अपने मुंह ठीक करें, मैं अभी सॉरी बोल के आई। शाबाश। भाई मैंने सोच लिया, आज के बाद हम कॉलेज से बाहर नहीं मिलेंगे। बकार कल किस्मत अच्छी थी कि खुदा ने बचा लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। बस एक बात है, अगर चोर आपके अपने दिल में हो ना तो डर आपको हमेशा अपने सामने खड़ा महसूस होता है। वैसे ठीक कह रहे हो, मायरा भी यही कहती है। कसम से इतनी तेज लड़की है, किसी के हाथ में आने वाली वो। तो कुछ सीखो उससे। अच्छा, सीख के मरना है मुझे? और तुम्हें पता है हमारे घर में ये उछल कूद की बिल्कुल कोई इजाजत नहीं। मैडम, आप बहुत आसानी से किसी की खुद एतमादी को उछल कूद का नाम दे रही। नहीं भाई, मैं तो उसकी तारीफ कर रही, मुझे तो खुद उसकी आदतें पसंद है। लेकिन क्या करूं, हमारे घर में हर चीज की इजाजत लेनी पड़ती है, खुश होने की भी। अच्छा तो एक काम करते हैं, मेरे घर आ जाओ, फिर तुम्हें खुश होने के लिए भी किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, और आपके घर आने की इजाजत किससे लूं? चलो। जी भाईजान, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। मायरा बहुत खुश है।
अम्मी कैसी हैं? अच्छा, जरा बात करवाएं मेरी उनसे। अच्छा चलें, रहने दें, आप अभी उन्हें सोने दें, मैं थोड़ी देर में कॉल कर लूंगी। मायरा के आने से तो यहाँ रौनक लगी हुई है। भाईजान, मायरा से बात करवाऊं आपकी? भाईजान, वो मायरा के पड़ोस में एक सहेली बन गई है जी, उसी के यहाँ गई है। ठीक है, जैसे ही वापस आती है मैं आपकी बात करवाती हूँ। खुदा हाफिज। झूठ क्यों बुलवाया मुझसे तुमने? बात नहीं कर सकती थी भाईजान से? बाजी, भाईजान ने कौन सी कोई बात करनी थी, बस यही बोलते कि इसका ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, किसी को तंग नहीं करना, ब्ला ब्ला ब्ला। ये अला भला नहीं है मायरा, बड़ों की नसीहतें फजूल नहीं होती। भाईजान ना सही तो आप ही सही। आप अच्छा मेरी बात सुने, मैं ना सच में तबस्सुम के यहाँ जा रही हूँ, देर भी हो गई है, आपका झूठ झूठ रहेगा ही नहीं। तबस्सुम के यहाँ? हाँ, और क्या, एक वही तो है बेचारी जो मुझे समझती है, आप सब लोग तो ऐसे ही हैं। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन जरा तमीज से। हाँ, बुर्का पहन के चली जाऊं ऐसे? बुर्का कभी पहना है तुमने? तमीजदार लगूंगी ना जरा, इसलिए। तुम्हारा इलाज करवाती हूँ मायरा, जरा मौका तो दो मुझे। ऐसा कोई हकीम नहीं पैदा हुआ जो मायरा का इलाज कर सके। एक बार शादी हो जाने दो, फिर खुद ब खुद तीर की तरह सीधी हो जाओगी, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, तो शादी करने से अकल आ जाती है, या फिर अकल पे पर्दा पड़ जाता है इसलिए लोग शादी करते हैं? अच्छा ठीक है, जाओ और सुनो, जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। भाईजान कह रहे थे कि अम्मी से बात करें। उफो, तो ये अम्मी भी ना हर काम अपना खुद करती हैं, थक जाती हैं इसीलिए बीमार पड़ जाती हैं। तबस्सुम की अम्मी को ना मेरा सलाम कहना, बहुत दिन हो गए वो यहाँ आई नहीं। अच्छा ठीक है, दे दूंगी, अब मैं जा रही हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। अच्छा ठीक है, जाओ, आराम से जाना। पता है मायरा, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकती। लेकिन मुझे तो खुशी तब होगी जब मेरा तावीज काम करेगा। तावीज? कौन सा तावीज? इतनी जल्दी भूल गई? तुमने तो मुझे कहा था, मैंने कल पूरी रात जाग करके चिल्ला काटा है। चिल्ला? चिल्ला तो 40 दिन का नहीं होता। ये फास्ट दौर है भोली, अब एक रात में भी चिल्ला कट जाता है। अच्छा फिर? एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ, फिर ये कि तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं, कह दो रेहान से कि तुमसे शादी कर ले। शादी? तो क्या तुमसे शादी नहीं करोगी? हाँ, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तबस्सुम, आ जाओ बेटा, चाय तैयार है। चलो। आई अम्मी। आ गई अम्मी। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, आओ बैठो बैठो बैठो। आंटी, इतनी जहमत की क्या जरूरत थी, बस चाय ही दे देती। अरे कुछ भी नहीं है, ये पहली दफा हमारे घर आए, इतना तो बनता है ना। तुम ये समोसे को हाथ में लगाना, चलो रखो, सिर्फ चाय पियो, इनसे मोटे हो जाते। वो क्यों? अरे इनसे वजन बढ़ते हैं, अगर तुम मोटी हो गए तो तुम्हारे लिए रिश्ता थोड़ी आएगा। इसके तो बहुत रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन ये माने तब ना। अब अच्छा, क्यों नहीं मानती भला? आप इससे पूछे तो, क्या पता इसने खुद ही अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लिया। क्यों पता, बस तुम बताओ ना आंटी को। नहीं नहीं अम्मी, ये तो खुद से कह रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसका तो बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है, इसके मामू का बेटा है, देखे वाले लोग है, घर का बच्चा है, सबसे बड़ी बात कि जर्मनी में सेटल भी है। लेकिन यह है कि कोई जवाब ही नहीं देती। अब तुम ही समझाओ ना इसे, अच्छे रिश्ते अगर हाथ से निकल जाए तो फिर ढूंढने से भी नहीं मिलते। क्यों भाई, तुमने तो ये बात कभी पहले बताई नहीं। अम्मी आप भी ना, पहली बार तो हमारे घर आई है ये,
आप इसके साथ ही कैसी बातें कर रहे हैं? अब आंटी आपको पता है आजकल की जो लड़कियां होती है ना इनके तो सर में भेजा ही नहीं होता। भेजा भेजा अब दिमाग वो जो सर के अंदर होता है खोपड़ी के अंदर। आंटी आप ना काम करें आजकल की लड़कियों से तो पूछना नहीं चाहिए बस पूछे बगैर हाँ कर दिया करें। अच्छा बेटा अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम कर लोगी? लो करके तो दिखाए मेरे साथ ऐसा। वैसे भी मुझे चोरी चोरी ना करनी है। छोड़िए सारी बातें आंटी आपने एक काम करें इसका जो भी रिश्ता है ना आप हाँ कर दें मैं बाकी सब संभाल लूंगी। अम्मी मैं एक मिनट आई तुम भी चलो मेरे साथ आओ आओ ना। मुझे ना तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। किस बात की उम्मीद? ये जो तुमने अम्मी से कही है तो तुम सच समझ बैठी? तो और क्या? मेरी बात सुनो मैं ना तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो ना अगर मैं तुम्हारी अम्मी की गुड बुक्स में आ गई तो तुम्हारी मदद करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन तुम तो अपनी मदद आप ही नहीं करना चाहती कोई और क्या करे? अपनी मदद आप कैसे करूं? तुम ना तुम रेहान से ना इजहार मोहब्बत कर दो उसे कह दो उसे उसे कह दो कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कितना मजा आएगा ना पता आएगा मीना देखने। नशा हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम ये सिगरेट है नशा नहीं। तो फिर ऐसे छुपके क्यों पी रहे हो? हिम्मत तो सबके सामने पियो ना। यार तुम्हें खाने के लिए मेरा दिमाग ही मिलता है कहीं और जाओ माफ करो बाबा। ठीक है मैं जाकर के तुम्हारी अम्मी को बताती हूँ तुम बिगड़ रहे हो और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। व्हाटएवर। ओए ओए रुको रुको रुको। आई एम सॉरी। पर मसला क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? बिगड़े हुए को राह पे लाना ही मेरा काम है। और तुम्हें राह पे कौन लेकर आए? और वैसे भी मैडम मैं कोई चेन स्मोकर नहीं रेगुलरली सिगरेट नहीं पीता वो तो बस आज वैसे ही यूं ही आदत लगती है ठीक है ना। तुम हो कौन? मेरी चाची हो ताई हो मामी हो नानी हो कौन? अब मैं कौन हूं? मैं कौन हूं सब जानते हैं। पता चिड़े भी क्यों किसे मार खा के आए हो क्या? तुम्हें कुछ भी बताने का कोई फायदा थोड़ी है। क्यों फायदा नहीं है मुझे कुछ बताने का? इसलिए कि तुम्हारे पेट पे कोई बात टिकती तो है नहीं फौरन जाके सबको बताओगी आई बड़ी। बता दो ना मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। क्या मसला है इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? यार एक्चुअली आज मैं फिर जमाल भाई के पीछे गया था। तो बल्कि रहने दो मुझे मत ही बताओ मैं पहले इतना बेइज्जत हो चुकी हूँ उसमें बाजी के हाथों उन्हें तो मेरी किसी बात पे एतबार ही नहीं है। जाहिर है जिस तरह तुम हर बात को मजाक में उड़ा देती हो तुम्हारी बात पे कोई एतबार करेगा भी क्यों? अच्छा तो मैं ऐसा करती हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए तो हर बात बस मौज मस्ती शुगल मेला फन है। अच्छा बताओ मुझे क्या देखा तुमने? यार आई एम रियली शॉक्ड कि जमाल भाई उसे उसके घर तक छोड़ने चले गए थे। तुम उसे घर के अंदर चले जाते ना? पागल तो नहीं होगी? क्या कहता उसे मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ क्या करने आया हूँ? तुम उसे कहते कि जमाल भाई का पीछा छोड़ दे। क्या हुआ
इसमें हंसी कौन सी बात है? देखो एक्चुअली मैं तुम्हारी तरह इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं ना, इतने अच्छे आइडियाज नहीं आते मुझे, तो इसलिए हंसी आ गई। हाँ वो तो जाहिर सी बात है। मुझे एक बात बताओ, ये लड़की जमाल भाई के ऑफिस में काम करती है ना? ऑब्वियसली मैंने उन्हें ऑफिस से ही निकलते देखा था और मैंने किसी भी तरह से उसका नाम भी पता कर लिया। क्या नाम था उसका? फरहाना। फरहाना, अब बताओ क्या किया जाए? तुम मुझे जमाल भाई के ऑफिस का पता दो। क्यों, क्या करोगी? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, लेकिन शायद मैं वहां जाकर के तुम्हारी बात की तस्दीक कर सकूं। चल, तुम्हारा मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रही, वो एक्चुअली जब लास्ट टाइम ही मैं उस्मा बाजी और जमाल भाई से इस बात का जिक्र किया तो वो मुझसे पूछ रहे कि मुझे कहाँ से मालूम हुआ, और मेरे पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। तुम्हारा नाम लेती ना तो बहुत बिस्ती होती तुम्हारी। बिस्ती? बेइज्जती? उफ, लाहौर की पेमेंट। उफ अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। अब क्या हुआ? मैंने और नौशी ने प्लान बनाया था कि तुम आज हमें बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाओगे, और जाहिर सी बात है इस पैकेज के अंदर डिनर तो शामिल है ना। किस खुशी में, आज से पहले इस घर में कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं, ना ही कभी होगा। ओफो, तुम नूर अंकल की टेंशन नहीं लो, उनसे मैं परमिशन ले लूंगी, तुम बस हाँ बोलो। तो फिर चली भी नूर अंकल के साथ जाओ ना। अच्छा खैर, अगर तुमने उन्हें मना लिया तो क्या याद करोगी कि सही से पाला? तो बहुत मजा आएगा, तो नौशीन को बता क्या है। ओ नौशीन, तुम अभी तैयार नहीं हुई, तुम्हारा ब्यूटी को सब खत्म नहीं हुआ। क्या है, और ये रिहान भाई कहाँ है? वो तो कब से इंतजार कर रहा है, अभी तो उसके सर पे बिजली गिरेगी जब उसे पता चलेगा। क्या मतलब, रिहान भाई खर्चा करने से बिल्कुल नहीं घबराते। अच्छा तुम बहुत चलग रही हो, बस चलो। एक मिनट, देखो लो, तुम्हारे साथ कोई आगे बैठे, ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई तुम्हारी। चलें जी। जी 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 आपने इजाजत कैसे दे दी, जवान लड़कियां और इस तरह रात को निकलने दिया। भाई उसने पूछा ही ऐसे कि मुझसे इनकार नहीं हुआ। खैर फिक्र की कोई बात नहीं, रेहान साथ है, मैंने उसे कह दिया कि पूरा ख्याल रखे। अच्छा है ना पोपो, मायरा की आउटिंग भी हो जाएगी, जब से यहाँ आई है हम उसे कहीं लेकर भी नहीं गए। जमाल से बात हुई है मेरी, उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। मेरा भाई अभी जिंदा है और अल्लाह करे इसी तरह हाथ पांव चलते रहे उनके। इस घर के फैसले जमाल या कोई और नहीं, भाई साहब करते हैं। अच्छा इस पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो? अगली बार सोचेंगे, नहीं जाने देंगे, सोच लेंगे। अगली बार नहीं भाई साहब, ये आखिरी बार हुआ है, ये कहें कि ये आखिरी बार है। अस्सलाम वालेकुम। आप आ गए बाबा जान, आपका पूछ रहे थे, पैगाम दिया है कि जैसे ही आप आए उनसे मिल लें। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत है, वो जो प्लॉट खरीदा है उसके बारे में कुछ बताने। प्लॉट काफी सस्ता मिल गया बाबा जान को, उसकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा है। हाँ बाबा जान ने मुझे बताया था कि उनका जानने वाला है जिससे उन्होंने प्लॉट खरीदा है। हाँ दानियल नाम है उसका, मिला हूँ मैं उससे एक बार, काफी इज्जत करता बाबा जान की। क्या हुआ उज्मा? हाँ कहाँ घूमू? कहीं नहीं, बस यही। आर यू श्योर? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही।
नहीं, वो तबीयत ठीक है। आप जाकर बाबा जान से मिल लीजिए। हाँ मैं मिलता हूँ बाबा जान से, तुम बैठो आराम से, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, तुम आराम करो, मैं बाबा से मिल के आता हूँ। भाई जल्दी से बता दो क्या क्या ऑर्डर करने और क्या क्या नहीं, ये ना हो कि जब बाद में बिल आए तो इसके पास पैसे ही नहीं हो। तुमने जो मंगवाना है ना मंगवा लो, वैसे भी मैंने तुम्हें दोबारा फिर कभी लेकर थोड़ी आनी, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम नहीं। हाँ भाई जाहिर सी बात है, दोबारा इन्हें कहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी, फिर तो ये अकेले ही आएंगे ना। वैसे मेरे ख्याल से मुझे आज भी अकेले ही आना चाहिए था, अभी तुम्हें ले आया नहीं। अब जैसे रेहान साहब कह रहे हैं मान जाओ ना, तंग तो ना करो। यकना शुद तो शुद, क्या मतलब? मतलब ये कि ये लो ना, तुम ऑर्डर करो, देखो वैसे भी आगे तो तुम्हारे ही ऑर्डर चलने हैं। वैसे आपस की बात है, मैं सोच रहा था कि अगर मुसीबत का कोई और नाम भी होता तो यकीनन मायरा होता। वैसे इस बात में कोई शक नहीं। एक्चुअली ये लो पकड़ो तुम लोग अपना मेन्यू, मैंने कुछ भी नहीं खाना, ये तुम सब कराची आइट एक साथ मिल गए हो ना, बस ठीक है। वैसे जो हम तीनों अपने लिए ऑर्डर करेंगे वो तुम्हारे एक के लिए काफी होगा, भाई लाहौर से आई है, लाहौर का नाम थोड़ी डुबोगी। ठीक है मैं अब कुछ भी नहीं कहती, तुम जानू और तुम्हारा रिहान भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो मौजा हो गया। वैसे पूछ लो एक मरतबा कि मेरे दिमाग के अलावा कुछ और भी खाना है या नहीं, मैडम नाराज हो गई है ना। मैं नहीं खाऊंगी अब। जमाल शक का बाल है ये, मायरा ने मेरे दिल में शक का बाल डाल दिया है। जमाल ऐसे नहीं है, ये कहीं से उड़कर आ गया होगा, जमाल सिर्फ मेरे हैं। वैसे एक बात तो है, रेहान का टेस्ट ना इतना बुरा भी नहीं, खाना बहुत ही मजे का था। मुझे तो लगता था कि यहाँ पे कराची में इतने अच्छे खाने नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा ख्याल गलत साबित हो गया। वैसे अक्सर तुम्हारा ख्याल गलत ही साबित होता है, कोई नई बात तो नहीं है। मसलन कि तुम्हारा शौक अच्छा है। नौशीन चले कहाँ? हम हाथ धोने, फिर आइसक्रीम भी आ जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। तुम पागल हो क्या? तुम्हें तो मौका देगी उससे बात करने का, तुम किस वक्त से अपना हाथ धोने जाती हो? यार ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो कान में, महफिल में बैठने के कोई आदाब होते हैं, मैनर्स होते हैं, कुछ पता नहीं है आपको? तुम्हें बताना होता तुम उसे कान में क्यों बताती। अशीम चले वाकई जाना तो मैं यहाँ पे हाथ धूंगी क्या? चलो ओह गॉड क्या कर रही हो तुम, रेहान भाई को गुस्सा आ गया ना तो फिर देखना। जाओ जाओ बहुत ही तुम्हारे रेहान भाई जैसे, उस बेचारे को देखो उसे तो कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला था, आज समझा के लाई हूँ कि बात जरूर करनी है। कसम से मेरा आफत की फिर खाला हो तुम, और बहुत जल्दी खाला भी बनने वाली हो। एक बात बता दूँ, यहाँ बैठे इनको सदियाँ गुजर जाएंगी, दोनों में से कोई बात नहीं करने वाला। कैसे नहीं करेंगे, समझा के लाई हूँ उसको कि इसको आज ही अपने दिल की बात करनी है या तो फिर रेहान को हमेशा के लिए भूल जाए। समझा के लाई मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था तो और क्या, वो देखो तबस्सुम कुछ कह रही है। आप कोई बात करें ना। क्या बात करूं? पूछ रही है मैं आपको कैसी लगती हूँ। जो भी आपके दिल में है बोल रहे। दिल में मेरे है मायरा, कुछ ओवर साइको पागल सी लड़की नहीं है, आई मीन बोलती रहती है। नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छी है, इनफैक्ट दिल की बहुत अच्छी है, जो उसके दिल में होते हैं वो बोल देती है। आपको उसकी बातें बुरी लगती हैं क्या? एग्जैक्टली बहुत बुरी लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। इनफैक्ट
एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो? जी? कह रही है, मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ क्या जो आप मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते? बस करो मायरा, तुमने तो मजाक ही बना लिया। रेहान भाई उसे घास तक नहीं डालने वाले। वो घास खाने भी नहीं वाली, उसे तो तुम्हारे रेहान भाई का दिल चाहिए कच्चा चबाने के लिए। वो देखो, आई लव यू बोलने वाली है। दिल में दे दो जी। ये क्या? कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि खाने का बिल मैं दे दूँ। खाने का बिल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं लेकर आया हूँ ना सबको, तो बिल मैं ही दूंगा। देख लिया घबरा रहा है यार, मुझे तो लगता है तो बस तुमने सारे मोहब्बत कर दिया। सिर्फ किस्मत देखो इस लंगूर की, जो इसे हूर मिलने वाली है। एक्सक्यूज मी, रेहान भाई भी किसी से कम नहीं। ऐसे सही बात है, तुम बताओ कब मिलवा रही हो तलंगूर से? अपने लंगूर से? उनसे मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलवाने वाली। कोई चांस हुआ भी ना तो वो भी चला जाएगा। याद रखना, एक दिन ना ये मायरा ही तुम्हारे काम आएगी। घर आ गया। अभी इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तबस्सुम को घर छोड़ के आ जाओ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, सामने ही तो घर है। ऐसे कैसे चली जाओगी, इतनी रात को तुम अकेले घर जाओगी? जाओ रेहान, छोड़ के आओ। हाँ कहते तुम ठीक रही हो, चलो मैं छोड़ आता हूँ। आओ नौशीन, चलो मेरे साथ। अब नहीं नौशीन, तुम्हें तो मेरे से काम नहीं था। याद है मैं तुम्हें एक बात बोली थी? कौन सा? अंदर घर में, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। काम कौन सा था, मुझे बताया नहीं तुमने। सुनिए रेहान जी। जी। मैं आपको कैसी लगती हूँ? बस तुम इस वक्त इस सवाल का क्या मकसद है, मैं कुछ समझा नहीं। वो दरअसल ना मेरे खाला के बेटे का रिश्ता आया है, अम्मी चाहती हैं कि मैं वहाँ पे हाँ कर दूँ, लेकिन मैं क्या, अगर अच्छा रिश्ता है, अच्छा लड़का है तो हाँ करने में क्या, आज हाँ कर दो। अपनी भी तो कोई पसंद होती है ना, आपको कोई और पसंद है? कोई और? मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। मैं भी जी। मैं आपको कैसी लगती हूँ? तबस्सुम, जिस सेंस में तुम पूछ रही हो उस सेंस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं। आई मीन तुम बहुत अच्छी हो लेकिन मेरी पसंद नहीं। आपको कैसी पसंद है? देखो इस वक्त यहाँ पे इतनी रात को यहाँ खड़े होकर बात करना, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? प्लीज चलो, रुकना मुनासिब नहीं है। आपको लोगों का डर है? मैं कह रहा हूँ ना कि वी शुड कीप वॉकिंग एंड टॉकिंग ना, प्लीज। हाँ जी, आपको जैसी भी पसंद है ना, मैं सच में वैसी बच जाऊंगी। तो बच्चों, बिलीव मी, तुम जिस घर में भी जाओगी ना, अपनी सीरत की वजह से उस घर को जन्नत कर दोगी। लेकिन वो क्या है ना कि एक्चुअली मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। काबिल नहीं है, लेकिन मैंने तो कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं, सोच सकती भी नहीं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कभी मैंने तुम्हें कहा ये सब करने को? आई मीन मैंने कभी तुम्हें महसूस किया रहा है? मैंने तुम्हें कभी ये एहसास दिलाया क्या यार? यही तो प्रॉब्लम है, आपने कभी एहसास ही नहीं दिलाया। मुझ में क्या कमी है? कमी? तुम्हें कोई कमी नहीं है, और वैसे भी दिल के मामलों में कमी पेशी की बात ही नहीं होती। इट्स जस्ट के मैंने तुम्हें कभी वहां रखकर सोचा ही ना ही कभी मैं सोच पाऊंगा। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज इस टॉपिक पे बात मत किया करो, और बस खत्म करो इस बात को, छोड़ दो। अच्छा छोड़ दूंगी, लेकिन आप मुझे अपने बारे में सोचने के लिए मना नहीं कर सकते। तो घर आ गए। कोई जल्दी नहीं कहना, अभी तय होना है, साथ चलना है कि रुकना, अभी तय होना है। शमा तो जल ही रही है, मगर ऐ परवाने
तेरा इस आग में जलना अभी तय होना है।